हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिएगा, आज हम ज्यामितीय समानता के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अलग अलग मिलेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस बार आप थ्योरेटिकल पोर्शन मजबूत कर लीजिएगा, उसके बाद हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलना है। आप देखते रहना कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आते हैं। और ये वीडियो नीट, जेई मेन, टीजीटी, आईसीआर और जेट के बच्चों के लिए अच्छी हो सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न के द्विबंध विन्यास को पहचानिए। नीचे देख रहे बेटा, ये हायर मोलिकुलर वेटेड है और सीएन कैसा होता है, लो मोलिकुलर वेटेड। तो यहां पर हायर लो, सी एन कैसा होता है बेटा, यहाँ पर लो मोलिकुलर वेटेड इन कंपैरिजन पूरे के। तो यहाँ पर कौन सा विन्यास आता है, ई विन्यास। और इस कार्बन, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच देखें, लो मोलिकुलर वेटेड साइड, हायर मोलिकुलर वेटेड साइड, इन दिस हायर मोलिकुलर वेटेड एंड लो मोलिकुलर वेटेड। आप देख रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। और डिफरेंट आने के कारण यहाँ पर भी ई विन्यास होगा और यहाँ पर भी ई विन्यास होगा। दोनों में ई विन्यास होता है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर दो, निम्न में दिए गए संरचनात्मक सूत्र के लिए सही निर्देश क्या है। देखो बेटा, यहाँ पर तो ठीक है कि हाई मोलिकुलर वेटेड साइड है और यहाँ पर लो मोलिकुलर वेटेड साइड है, बट इन दिस साइड यहाँ पर सेम ग्रुप आ रहे हैं। तो सेम ग्रुप होने के कारण, नंबर ऑफ कार्बन सेम होने के कारण यहाँ पर कोई भी ज्यामितीय समानता पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। कौन ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, देखिएगा। पहले आपको डेफिनेशन देखनी है कि वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है और एक कार्बन पर दो भिन्न परमाणु या समूह जुड़े होते हैं, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करता है। बट यहां पर बेटा ये डेफिनेशन के विपरीत जा रहे हैं। देखिएगा बच्चों, यहां पर भी इस कार्बन पर सेम ग्रुप है, ये भी सेम ग्रुप है, मतलब कार्बन पे दोनों सेम, और होने कैसे चाहिए डिफरेंट, इसका मतलब ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, ऑप्शन इनकरेक्ट। यहां पर ये सारे, यहां पर इनमें देखें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और एक कार्बन पर एच लगा हुआ है, दूसरी तरफ पूरी कार्बन ब्रांच आ जाती है, इधर भी एक साइड में एच और एक साइड में C2H5, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ज्यामितीय समानता पॉसिबल है। यहां पर सी ऑप्शन में भी सेम कंडीशन है, एक तरफ एच एक तरफ CH3, एक तरफ एच एक तरफ CH3, आप ऐसे समझ सकते हो। देखो मैं लिख देता हूं, यहां पर एच CH3, इधर भी एच, इधर CH3, तो यहां पर कौन सी फॉर्म होगी, सिस फॉर्म, और अपोजिट इट, मतलब CH3 को इधर कर दो, H को इधर कर दो, ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। सेम कंडीशन यहां पर है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक कार्बन पे H, दूसरी तरफ C2H5, इधर भी एक तरफ H, एक तरफ C2H5, मतलब ज्यामितीय समानता प्रदर्शित है, केवल फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में, निम्न में कौन ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा। बेटा मैंने क्या बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और एक कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप और एटम जुड़े होने चाहिए, यहाँ पर कैसे एटम है, सेम, ज्यामितीय समानता पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी क्या आ गया, सेम, ज्यामितीय समानता पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी कैसे आ रहे हैं, सेम ग्रुप, ज्यामितीय समानता पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है, ज्यामितीय समानता पॉसिबल है। निम्न में कौन सा यौगिक सिस ट्रांस समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। सिस ट्रांस समावयवता, समावयवता प्रदर्शित करने का बेटा ये तरीका है, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है और एक कार्बन पर भिन्न परमाणु या समूह जुड़े होते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक साइड में H है, दूसरी साइड में CH, यहाँ पर CH3, इधर H, यहाँ पर क्या आ रहा है C2H5, और ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ज्यामितीय समानता पॉसिबल है। ये मैंने सिस ट्रांस, सिस बनाया, ट्रांस आप एक साइड में चेंज करके कर सकते हो। बी, यहाँ पर सेम ग्रुप आ गए बेटा, सेम ग्रुप, और जहां पर सेम ग्रुप होते हैं वहां ज्यामितीय समानता पॉसिबल नहीं है, डज नॉट शो, ये शो नहीं करेगा, डज नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये पूछ रहा है क्या, नहीं करेगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर। बाकी ये भी करेगा और ये भी करेगा, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप और एटम सब में अटैच है भाई। एक कार्बन को ऐसे देखा करो कि इस पे एक साइड में एच है, दूसरी साइड में C2H5, यहाँ पर भी एक साइड में एच, एक साइड में C2H5, पॉसिबल है, सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं।
निम्न में कौन से यौगिक ज्यामितीय समानता प्रदर्शित कर सकता है? टू पेंटाइन, बेटा एन आइन आ रहा है मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इन यहां पर देखिएगा, पेंट टू इन, पेंट टू इन की स्ट्रक्चर ये बनती है, पेंट टू इन ये बन गई स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर में देखो, एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और उस पर दो भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हुए हो, तो यहां पर देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और एक कार्बन पर दो भिन्न परमाणु समूह जुड़े होते हैं। अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, एक तरफ एच और एक तरफ सी एच थ्री, इधर क्या आएगा एक तरफ एच और एक तरफ सी टू एच फाइव, तो यहां पर सिस फॉर्म बन जाती है, ये सी टू एच फाइव बन जाएगा ना पूरा, तो ये कौन सी फॉर्म होगी सिस। और इसके विपरीत एक विपरीत का भी बना दूं, कभी आप भूल गए हो पिछली वीडियोस, सी एच थ्री एच, यहाँ पर एच और यहाँ पर सी टू एच फाइव, ये कौन सी फॉर्म हो जाती है ट्रांसफॉर्म, मतलब पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है ज्यामितीय समानता, इसमें पॉसिबल है। अब सी की बात करते हैं, सी में पॉसिबल है या नहीं है कैसे पता करेंगे, तो आप स्ट्रक्चर बना के देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो टू मैथिल प्रोपीन, ये टू मैथिल प्रोपीन है बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी सेम ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी सेम ग्रुप अटैच है, तो पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पर देखिएगा टू मैथिल ब्यूटाटोइन, टू मैथिल ब्यूटाटोइन, यहाँ पर टू मैथिल ब्यूटाटोइन, ये देखिएगा कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, एक कार्बन पर दोनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं, देखो यहाँ पर दोनों तरफ सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप होने के कारण ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, मतलब हमारा ऑप्शन है बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, ज्यामितीय समानता संभव है, डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए कि दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ग्रुप और एटम, यहां पर डिफरेंट ग्रुप और एटम है लेकिन इस साइड में सेम ग्रुप है, पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखो एच सी एच थ्री, यहां पर बी आर और आई पॉसिबल है, इसका मतलब यहाँ पर ज्यामितीय समानता पॉसिबल है। यहाँ पर दोनों सेम ग्रुप आ गए, पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर सेम ग्रुप आ गए, पॉसिबल नहीं है। आई थिंक समझ गए होंगे कि कहाँ पर ज्यामितीय समानता पॉसिबल है, कहाँ पर ज्यामितीय समानता पॉसिबल नहीं है। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर एट की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में कौन ज्यामितीय समानता प्रदर्शित कर सकता है? प्रोपीन नहीं करेगा, प्रोपीन की स्ट्रक्चर ये बनती है, सेम ग्रुप आ रहे हैं, देखो टू मैथिल ब्यूटीन, टू मैथिल ब्यूटीन की स्ट्रक्चर ये बनती है, टू मैथिल ब्यूटीन, यहां पर वन फेनिल प्रोपीन, वन फेनिल प्रोपीन, वन फिनाइल प्रोपीन की स्ट्रक्चर ये बनेगी, वन फिनाइल प्रोपीन सी एच सी एच थ्री, ये स्ट्रक्चर बनी। और ब्यूट टू आइन, आइन मतलब समझ गए होंगे आप लोग, ट्रिपल बॉन्ड आना है बेटा, यहाँ पर तो ज्यामितीय समानता पॉसिबल नहीं है। तो आप स्ट्रक्चर मैंने बनाई, अब स्ट्रक्चर को देखते हुए आप समझ जाओगे कि कहाँ पर पॉसिबल है और कहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पर दोनों सेम ग्रुप आ रहे हैं, सी एच टू सी एच टू है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर दोनों सेम ग्रुप आ रहे हैं, इस कंडीशन में भी सेम ग्रुप है, टू मैथिल ब्यूट टू इन, टू मैथिल ब्यूट टू इन, ये कहाँ पर बनाया मैंने, टू मैथिल ब्यूट टू इन, अच्छा यहाँ पर ये ब्यूट टू इन बनाना था बेटा, यहाँ पर सी एस थ्री लगा दीजिएगा ब्यूट टू इन, तो यहाँ पर सेम ग्रुप आ रहे हैं बेटा, सेम ग्रुप आने के कारण ब्यूट टू इन ये भी पॉसिबल नहीं है। वन फेनिल यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर देखो दोनों डिफरेंट ग्रुप है, इधर भी डिफरेंट ग्रुप है और इधर भी डिफरेंट ग्रुप है, यानी कि इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक साइड में एच और एक साइड में सी सिक्स एच फाइव, एक साइड में H और दूसरी साइड में सी एच थ्री, कौन सी फॉर्म आ गई सिस फॉर्म, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नौ की तरफ, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करता, कौन नहीं करेगा बेटा, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट, बाकी सब में होगा, डिफरेंट ग्रुप और एटम विद रेस्पेक्ट, डबल बॉन्ड देखो इसके रेस्पेक्ट में देखना है, यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में देखना है, यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में देखना है, इसके यहाँ पर रेस्पेक्ट में देखना है, तो आप इजीली पहचान जाओगे, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है। ज्यामितीय समानता संभव है, इसके लिए आपके देखो नेम आपके क्लियर होने चाहिए, आईयूपीएसी नेम स्ट्रक्चर वगैरह, जैसे क्वेश्चन दे दिया थ्री ब्यूटिनोइक एसिड, स्ट्रक्चर बनाओ ब्यूटिनोइक एसिड का, भाई ब्यूट का मतलब चार,
ओइक एसिड, ब्यूटीनोइक एसिड थ्री, ब्यूटीनोइक एसिड थ्री पे ई ना आ रहा है बेटा, यहाँ पर मैंने सी एच टू लगाया, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच और एक एच इधर, लेकिन यहाँ पर सेम ग्रुप होने के कारण ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है। टू फेनिल प्रोपीनोइक एसिड, प्रोपीनोइक एसिड बेटा, प्रोपीनोइक एसिड ये ले लीजिएगा। टू पे फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे मैंने लगाया फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड आना है क्योंकि इस पे तो डबल बॉन्ड लगेगा नहीं, और डबल बॉन्ड लगने के कारण यहाँ पर देखो सेम ग्रुप आ रहे हैं, और सेम ग्रुप होने के लिए आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो सकती है क्या सेम ग्रुप में? नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पर ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जन। थ्री थ्री डाई फेनिल प्रोपीनोइक एसिड, थ्री थ्री प्रोपीनोइक एसिड, पहले फॉर्मूला, ये प्रोपीनोइक एसिड है बेटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आना है, इधर H, इधर डाइमिथाइल, भाई एक इधर थ्री थ्री डाइमिथाइल। अब यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई क्योंकि ये हो गए सेम ग्रुप, और सेम ग्रुप होने के कारण ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है। अब डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, थ्री फेनिल प्रोपीनोइक एसिड, प्रोप का मतलब ये, थ्री पे फिनाइल, थ्री पे फिनाइल, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है, एच, एक एच यहाँ पर आ जाता है। तो अब इन दोनों के बीच अगर हम कार्बन देखें, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देखें और डबल बॉन्ड पे अटैकिंग रिएजेंट देखें, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ज्यामितीय समानता पॉसिबल है। एक तरफ एच, एक तरफ सी डबल एच, इस कार्बन पे देखो एक तरफ एच, एक तरफ फिनाइल ग्रुप आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पर अगर आपको डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो बेटा इधर क्या आएगा, एच, इधर सी ओ ओ एच, इधर H और इधर फिनाइल ग्रुप, तो सीस फॉर्म हो गई और इसके अपोजिट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब यहाँ पर देखो CH3ClI C2H5 पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है या नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले सिसो ट्रांस देखो, ये ट्रांसफॉर्म है, लो हाई, हाई लो मोलिकुलर रिपीटेड साइड, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। IUPAC नेम आपके पक्के हैं पिछली वीडियोज के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहाँ पर बेटा IUPAC नेम, फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पता है कि ट्रांसफॉर्म होगा और 1, 2, 3, 4, 5 की 2-chloro-3-iodo ट्रांस में 2-chloro-3-iodo पेंटाटोइन, ओके ट्रांस हेक्सेनल की सही संरचना है। एक चीज मैं बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर आपको एक चीज समझने की है कि सिस और ट्रांस की स्ट्रक्चर, वैसे मैं आपको बता चुका था पहले भी, बट थोड़ा सा देख लीजिएगा क्लियर हो जाएगा। सिस फॉर्म होती है बेटा, ऐसे आ जाए तब भी सिस फॉर्म होगी, मतलब डबल बॉन्ड होना जरूरी है, और ऐसे कोई भी आती है तब होती है ट्रांसफॉर्म। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी फॉर्म है बेटा? सिस फॉर्म। यहाँ पर भी कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म। यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पर भी कौन सी फॉर्म हो गई? ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट। अब ट्रांसफॉर्म तो हमने देख ली, अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर इस नाम की स्ट्रक्चर है या नहीं है ट्रांस। अब ट्रांस के हो गए टू, टू पे इन आ रहे हैं, तो टू पे इन इस वाली स्ट्रक्चर में, भाई आप नंबरिंग ऐसे देते हो ना 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो टू पे इन यहाँ पर है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। निम्न में कौन ज्यामितीय समानता प्रदर्शित कर सकता है? देखो बेटा फर्स्ट वन मेथिल साइक्लोब्यूटेनॉल, ये तो साइक्लोब्यूटेनॉल हुआ, यहाँ पर लगाया हमने OH, वन पे ही मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ पर दो ग्रुप होने चाहिए, इसका मतलब अकेले पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर नहीं है, बी में आ जाइएगा। 2,2-dimethylcyclobutanol, 2,2-dimethylcyclobutanol मतलब यहाँ पर दोनों CH3 ग्रुप अटैच कर दिए बेटा, और यहाँ पर OH ग्रुप, मतलब यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। अब सी की तरफ बढ़ते हैं, 3,3-dimethylcyclobutanol इसी का ही भाई है, अब आ जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डी ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसकी, आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मैंने लिया साइक्लोब्यूटेन, इसके एक साइड में क्या लगाओगे आप? CH3 और दूसरी साइड में OH, इसके एक साइड में CH3 और दूसरी साइड में H, कौन सी फॉर्म बन गई? सिस फॉर्म, और एक की डायरेक्शन चेंज कर दो तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, ज्यामितीय समाप्तता संभव है, थोड़ी स्पीड भी हमको मेंटेन रखनी है बेटा। यहाँ पर H यहाँ पर आएगा, CH3 डबल बॉन्ड
यहां पर लगा दीजिएगा बेटा, ओहो इसकी स्ट्रक्चर में दोबारा बनाता हूं, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ज्यामितीय समावयवता संभव है। देखो जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है और एक कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, नाइट्रोजन की तीसरी संयोजकता OH से पूर्ण होती है, ऐसे यौगिक ऑक्साइम कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डिफरेंट ग्रुप होना जरूरी है। अब इसके अनुसार देखो यहाँ पर सेम ग्रुप हो रहे हैं, इधर भी सेम ग्रुप है और इधर भी सेम ग्रुप है, मतलब पॉसिबल नहीं है, ज्यामितीय समावयवता नहीं है, इसमें भी सेम ग्रुप है नहीं है। यहाँ पर देखो दोनों डिफरेंट ग्रुप है, एक तरफ क्या आ रहा है, एक तरफ आ रहा है C2H5 और दूसरी इस तरफ आ रहा है C2H5, यानी कि यहाँ पर पॉसिबल है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पर भी दोनों सेम ग्रुप होने के कारण है, देखो इधर भी सेम ग्रुप है इधर भी सेम ग्रुप है, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता। नहीं मतलब सेम ग्रुप देख लीजिएगा किस में है, वो नहीं करेगा। यहाँ पर देखो सेम ग्रुप है, पॉसिबल नहीं है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जबकि यहाँ पर देखो डिफरेंट है, एक भाई कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ऐसे ही तो करते हो तुम लोग, एक तरफ एच एक तरफ C6H5, एक तरफ एच और एक तरफ C6H5, कौन सी फॉर्म और ये सिस फॉर्म, अपोजिट इट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्म। सेम कंडीशन यहाँ पर फर्स्ट वाले में भी देखो, ऐसे लगाओगे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपने C6H5 लगाया, यहाँ पर भी आपने C6H5 लगाया, तो कौन सी फॉर्म हो रही है, सिस फॉर्म हो रही है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना चाहो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, और C6H5 नीचे ले लो तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यहां पर देखिएगा नाइट्रोजन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर भी पॉसिबल है, इस डिफरेंट ग्रुप और एटम अटैच है, मतलब आपका डी ऑप्शन इनकरेक्ट, ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा क्योंकि ये पूछ रहा है कि नोट्स हो। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइएगा बेटा, निम्न में सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन वाला सिस ट्रांस आइसोमर्स कौन सा हो सकता है। बेटा इसका सबसे छोटा देखो ये होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यानी कि मैंने क्या बताया था, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और एक कार्बन पर टू डिफरेंट ग्रुप और एटम अटैच हो, तो यहाँ पर दो डिफरेंट ग्रुप और एटम अटैच है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाते हैं, 4, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 4। ये पूछ रहा है कि सबसे कम सबसे छोटा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 बीसी का ही भाई है, ये कह रहे हैं कि सबसे छोटा एच चक्रीय है, सबसे छोटा तो होता है ये, लेकिन अगर साइक्लिक की बात करें यहाँ पर सबसे छोटा साइक्लिक में कौन होगा, साइक्लिक की अगर हम बात करते हैं तो साइक्लिक में आप मान के चलिएगा ये साइक्लोप्रोपेन है, एक साइड में आप एच लगाओगे दूसरी साइड में CH3, एक साइड में एच लगाओगे दूसरी साइड में CH3, तो यहाँ पर टोटल कार्बन कितने होने चाहिए, 5 कार्बन, ठीक है ये याद रखना है। और अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो फिर होंगे 4 कार्बन, उसी के अनुसार ये ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। बस वही केस है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और एक कार्बन पर टू डिफरेंट ग्रुप और एटम अटैच हो, तो ज्यामितीय समावयवता पॉसिबल है बेटा। यहां पर देखिए 1,3-butanediene बनाइएगा स्ट्रक्चर, 1,3-butadiene CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। 1,2-butanediene यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बन गया ब्यूटेनडाइन बेटा, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, सेम ग्रुप होने के कारण पॉसिबल नहीं है। 1,3-pentadiene तो 1,3-pentadiene की बात कर रहे हैं बेटा, 1,3-pentadiene का फॉर्मूला होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब यहां पर देखो बेटा ये थोड़ा सोचने वाली बात है, इसमें यहां पर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर सेम ग्रुप आ गए, बट इस कार्बन पे अगर देखें तो यहां पर H और यहां पर CH3, इस कार्बन पे देखें H और ये पूरा ग्रुप आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पर सिसो ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ध्यान देना ऐसे बनाओगे आप स्ट्रक्चर, एक साइड में H, इधर CH3, इधर H,
इधर क्या आएगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, मतलब पूरा एल्काइल ग्रुप। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, सिस फॉर्म, और अपोजिट इट सोज द ट्रांसफॉर्म। डी, डी का 1,4-butadiene पेंटाडाइन है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, फिर सी एच टू, फिर सी एच टू, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर सी एच आएगा बेटा, ओनली सी एच और सी एच टू। तो यहाँ पर दोनों सेम ग्रुप होने के कारण यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्न में कौन ज्यामितीय समावयवी यौगिक का युग्म है, कौन, क्रोटोनिक एसिड, सिनेमिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड। ये पूछ रहे ज्यामितीय समावयवियों का युग्म, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बेटा मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड ही इसका युग्म है। यहाँ पर सी एच थ्री, एच सी एच थ्री, ये कौन सा हो गया, मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड में एंटी फॉर्म ले लीजिएगा, एक साइड में इधर एच, इधर सी एच थ्री, इधर एच और इधर सी एच थ्री, ये बन गया हमारा ट्रांसफॉर्म। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखिएगा, कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवी युग्म है, बताइएगा कौन सा है। यहाँ पर थोड़ा सा माइंड आपको यूज करना पड़ेगा बेटा, कम मोलिकुलर वेटेड साइड, हायर लोअर, हायर सॉरी हाई लो, हाई हाई लो, कौन सा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर लो मतलब इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, सी एल का, एफ का कम है, आई का ज़्यादा है, बी आर का कम है, ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पर देखिए लो हाई, हाई लो, ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पर देखिए बी आर सी एल, हाई लो हाई, यहाँ पर फिर लो फिर हाई, ट्रांसफॉर्म है। मतलब कोई यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का युग्म सही नहीं है, बी आर लो हाई, हाई लो, बिल्कुल। यहाँ पर कौन सी फॉर्म हो रही है, देखो हाई लो सॉरी, मोलिकुलर वेट बी आर का कम होता है इन कंपैरिजन आयोडीन के, यहाँ पर सी एल का ज़्यादा होता है, एफ का कम होता है। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ गई, कम ज़्यादा, ज़्यादा कम, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पर कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, यहाँ पर कौन सी होगी, सिस, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन है बेटा, यहाँ पर तुम लोग कन्फ्यूज मत हो जाना, कम ज़्यादा, ज़्यादा कम, ट्रांस, सी एल कम बी आर ज़्यादा, एफ कम आई ज़्यादा, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, सिस फॉर्म हो रही है। यहाँ पर देखो कम ज़्यादा, ज़्यादा कम, मतलब यहाँ पर एक दूसरे के आइसोमर्स बन रहे हैं, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन थे बेटा, इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं।